हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं पंजाबी स्वीडिश चंदावा और उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत होंगे। और मेरी दुआ है कि आप हर किस्म की बीमारी, हर किस्म की वबा से बचे रहें। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूं स्पेनिश ग्रीन चिली का अचार। ये बहुत मज़े का बनता है। ये जो है पापरिका है, और पापरिका का जो स्पेनिश पापरिका है उसका बहुत मज़े का अचार बनता है। ये ज़्यादा कड़वी नहीं होती, ये बहुत मज़े की होती है। इसके लिए मैंने लिया है सरसों का ऑयल लिया है, ये मैंने स्वीडिश ऑयल लिया है। यहाँ पे जो है सरसों बहुत ज़्यादा काश्त की जाती है, किसान बहुत ज़्यादा जो है वो सरसों यहाँ पे काश्त करते हैं, और ये बहुत अच्छा ऑयल होता है सरसों का। इधर स्वीडिश का बिल्कुल प्योर, ये देखिए कितना साफ़ है, नज़र भी आ रहा है। और मैंने लिया है नमक, हल्दी और मिर्च। इन चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी और इससे जो है नमक मिर्च हल्दी को मिर्चों में भरूँगी ऐसे कट लगा के बीच में। तो फ्रेंड्स, आप जितने लोग भी मेरे चैनल पंजाबी स्वीडिश रंधावा पर न्यू हैं, काइंडली आप मेरे चैनल पंजाबी स्वीडिश रंधावा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। तो फ्रेंड, ये अचार जो मैं बनाऊंगी मिर्चों का, ये अभी तैयार हो जाएगा, अभी खाने के काबिल हो जाएगा। ये बहुत इजी रेसिपी है और उसी टाइम ये तैयार हो जाता है खाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिर्चों को मैंने अच्छे से धो लिया था और खुश्क हो गई हैं। अब हम इनमें भरते हैं मसाला, और ये मैंने नमक मिर्च और हल्दी को जो देखे मिक्स कर लिया है, तीनों चीज़ों को जो मैंने अभी आपको दिखाई हैं। और मिर्च को हम ऐसे बीच में कट लगाएंगे, ये जैसे मैंने लगाया है। तो अभी हम इनमें जो है सब में मसाला भर देंगे जी। तो मैंने सारी इन मिर्चों में जो है मसाला भर लिया है, नमक मिर्च और हल्दी, और ये भी मसाला रेडी कर लिया है। ये है सौंफ और मेथरे और कलौंजी, ये हम बाद में डालेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं डालूंगी। और इस तरफ जो है मैंने ऑयल जो है गरम करने के लिए, सरसों का जो ऑयल है वो ऊपर गरम करने के लिए रख दिया है। और ये गरम होगा तो हम ये मिर्चे इसमें डाल देंगे और ये अचार अभी क्विकली जो है रेडी हो जाएगा। अभी आप खा सकते हैं, ये इतना इजी तैयार हो जाता है। और ये मैं लहसुन की एक तुरी डालूंगी ये देखने के लिए कि ऑयल गर्म हो गया है या नहीं। जी तो ऑयल हमारा हो गया है गर्म, हमें इतना ही गर्म चाहिए। ज़्यादा गर्म करेंगे तो ये मिर्ची अजीब सी हो जाएंगी, जल जाएंगी, तो हमें इतना ही गर्म चाहिए। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये ग्रीन चिली हमने डाल दी, और ये बस अभी तकरीबन 5-7 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। इन्हें गलाना नहीं है, ये ऐसे ही रहें। चूल्हा जो है मैंने मीडियम पे किया, ये रेडी हो जाएंगी तो फिर हम इन्हें चूल्हे से जो है वो उतार लेंगे। तो मैंने चूल्हे से मिर्चे नीचे उतार लिया, देखिए बिल्कुल रेडी हो गई हैं। हमें ऐसी ही चाहिए, ज़्यादा इन्हें गलने नहीं देना, नहीं तो फिर खाने का टेस्ट नहीं आता। और अब ये बाकी जो मेथरे और सौंफ और कलौंजी है वो हम इसमें डाल देंगे, कलौंजी। ये देखिए ये मैंने डाल दी सारी चीज़ें, और अभी ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसे शीशे के जार में जो है वो डाल देंगे और अभी हम इसे खा सकते हैं। ये बिल्कुल रेडी हो गया है, तो ये दिनों में इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, ये अभी बिल्कुल रेडी हो गया है, खाने के काबिल हो गया है। तो आप भी इस तरीके से जो है मिर्च का अचार ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत
मज़े का बनता है। तो मुझे पंजाबी स्वीट डिश दावा को दीजिए इजाज़त, और अपनी दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके, बाय बाय।